वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। ऑसम सा मॉर्निंग ड्रिंक लेके आई हूँ इन केस अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्किन ग्लो नहीं कर रही, वेट लॉस पूरी तरह से रुक गया है। और मैं बोलूँ सीजनल चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, तो ये जो मौसम है ठंड का है हमारे यूपी साइड में, और मोस्टली महाराष्ट्र में भी ठंड आ गई है, बिकॉज मैं महाराष्ट्र में भी जब रही हूँ तो इस टाइम पे वहाँ पे नॉर्मल डे से ज़्यादा ठंडा रहता था जब मैं पुणे में रहती थी। तो फिलहाल मैं अभी लखनऊ में हूँ, और इन केस अगर आपको चिकन की कुर्तियाँ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर भी आप डिज़ाइंस देख सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो सीजनल सब्जियाँ हैं वो आ गई हैं, और ठंड में हमें मतलब मैं बोलूँ इतने अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं कि मुझे पर्सनली ठंड इसलिए भी बहुत पसंद है कि इसमें मुझे वैरायटीज़ बहुत मिलती हैं। तो आज मैं आपके साथ उसमें से एक चीज़ पिक करके ला रही हूँ ठंड की चीज़ों में से, जो कि आपके हेयर फॉल को पूरी तरह से रोक देगा, स्किन बहुत ग्लो करेगी, वेट लॉस तो मतलब इतना अच्छा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो भी वेट रुक गया है जिन लोगों का, या फिर जिनका किन्हीं भी चीज़ों से वेट नहीं जाता है, वो इसे ज़रूर ट्राई करना। क्या है, कैसे है, चलिए देखिए। सो फ्रेंड्स, इसके लिए लेना है यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रेश अमरूद, जो कि इस समय का सीज़न है, हमारे मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा और बहुत कॉस्टली भी नहीं है। लेकिन इससे बेस्ट आपके स्टोमक को क्लीन करने के लिए और बहुत ही सही करने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो ख़राब पार्ट है वो आप अच्छे से निकाल दो, लेकिन छिलके साइड लेना है, बहुत अच्छे से वॉश कर लेना, सारी डस्ट और जो भी है निकाल देना। देन उसके बाद हम इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके, आप चाहे जूसर में निकालना, जूसर में नहीं निकलेगा उतनी जल्दी, तो मैं हमेशा मिक्सी में ही निकालती हूँ, तभी इस ये अच्छे से स्ट्रेन हो पाता है, मतलब पिस पाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज़ इतना जल्दी ये नहीं होता है, बहुत ही पल्पी है, तो थोड़ा सा पानी मिलाना, देन तभी ये छन्नी से स्ट्रेन होगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया, देन उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा थिक रहेगा, और स्ट्रेन इसलिए भी करना है बिकॉज़ हमें इसके जो सीड्स हैं वो नहीं कंज्यूम करने हैं। देन उसके बाद मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे काली मिर्च, तो मुझे वही ढूंढना था, तो यहाँ पे लगभग 6 to 7 आपको काली मिर्च लेनी है। तो हाँ, मैंने शायद 8 ली थी, हाँ 8 आपको काली मिर्च लेनी है, और उसे क्रश कर लेना है अच्छे से, खड़ी खड़ी नहीं डालनी है, वो डाइजेस्ट नहीं होगी। तो आपको इसे किसी भी चीज़ से, आप चाहे किसी भी चीज़ बेलन या किसी भी चीज़ से इसे क्रश कर लो, देन आपको ये काली मिर्च उस अमरूद के पल्प में ऐड कर लेना है। और इसे आपको कैसे लेना है वो भी मैं भी आपको आगे ज़रूर बताऊँगी। तो इसे मैं इसमें डाल दूँगी पूरा, 8 दाने आपको लेने लेने, और हाइड्रेशन के लिए काली मिर्च सबसे बेस्ट है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर है, यानी पल्प अभी भी इसमें है, और इस समय है मॉर्निंग, तो मैं लेने जा रही थी, सोचा आप लोग के साथ वीडियो भी शेयर कर दूं। और ये देखिए अभी बहुत हल्की हल्की सी धूप है, तो इसे लेना मॉर्निंग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आओ तो फटाफट से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।